हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अक्सर आते हैं वो बताऊंगी। वो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 10 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन आया हुआ डिफाइन सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, वो कई बार आया हुआ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो सीक टाइम बेसिकली क्या, इट इज़ द टाइम टेकन टू मूव डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर एंड इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हैड टू मूव फ्रॉम करंट ट्रैक टू द रिक्वेस्टेड ट्रैक। यानी इसको हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का टाइम जितना लगता है, या हम इसको कह सकते हैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मूव करने में जितना टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। एंड इट इज़ द टाइम टू क्रॉस वंस ट्रैक इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स क्रॉस्ड। रोटेशनल लेटेंसी इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ अ ट्रैक टू रोटेट अंडर द रीड राइट हैंड ऑफ अ डिस्क ट्रैक। यानी आप एक डिजायर्ड ट्रैक तक तो पहुँच गए, लेकिन उस ट्रैक में किसी डिजायर्ड सेक्टर तक जाना है तो जितना देर में रीड राइट हैंड हमारा रोटेशन लेता है पूरा उस ट्रैक का उस डिजायर्ड सेक्टर पर जाने के लिए, वो टाइम हमारा होता है रोटेशनल लेटेंसी। एंड द एवरेज रोटेशनल लेटेंसी फॉर द डिस्क इज हाफ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स for the disc to make one revolution. Then most important question है, what do you mean by IO buffering? ये बार बार कई बार ये question आया हुआ है आपको previous year में। तो buffer is the area that store data being transferred between two devices or between a device and an application. And buffering is done for 3 reasons: to cope up with the speed mismatch between two process, for example producer and consumer ऑफ द डेटा स्ट्रीम। ये हमने पहले ही पढ़ा था, प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमारा क्या है, 2 अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं और एक कॉमन बफर शेयर करते हैं। तो बफर बेसिकली किस लिए है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में या एक डिवाइस से एक एप्लीकेशन में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम बफर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड अडेप्टेशन ऑफ डिवाइसेज विद डिफरेंट डेटा ट्रांसफर साइजेस एंड आफ्टर रिसीविंग द डेटा इन बफर द डेटा गेट ट्रांसफर टू द डिस्क फ्रॉम द बफर इन अ सिंगल ऑपरेशन। And when the speed between two processes very hugely, then a buffer can be used at both ends. ना सब कई बार क्या होता है, हमारा फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है कि वो एक बफर में नहीं आ सकता, तो उस केस में हम डबल बफरिंग का यूज़ करते हैं। यानी एक बफर जब फुल हो जाता है तो हम दूसरे बफर में लेते हैं और पहले हमारा एक बफर से डेटा ट्रांसफर होता है और फिर दूसरे बफर से आता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें, स्पूलिंग। What is spooling? It is simultaneously peripheral operation online, and spool is again a buffer that holds output for a device such as printer that cannot accept interleaved stream of byte. Interleaved का मतलब क्या है कि हमने कई सारे processes का एक साथ print दिया तो वो ऐसा नहीं करेगा कि 2 लाइन एक process की print करेगा, 2 लाइन दूसरे process की print करेगा, तो वो क्या करेगा, it will print only one job at a time. And several applications may wish to print their output concurrently without having their outputs mixed together. तो वो क्या करता है, एक क्यू बनाता है एंड correspondingly it spool the file for the output of a printer. फिर 2 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले डिफाइन स्कैन एंड सी स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये क्या है, हमारे डिस्क के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन पूछा है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन स्कैन एल्गोरिथम द डिस्क आर्म स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव्स टुवर्ड्स अदर एंड एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट एट इट रीचेज ईच सिलेंडर अंटिल इट गेट्स टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क। हम कहते हैं कि एक एलिवेटर एल्गोरिथम की तरह है, जैसे लिफ्ट हम जो जो बटन दबा देगा लिफ्ट, वहाँ वहाँ लिफ्ट रुक रुक के जाती है और सारे एंड्स तक जाती है। तो बिल्कुल वही यही है कि डिस्क आर्म हमारी एक एंड से स्टार्ट होती है, दूसरे एंड तक पहुंचती है, उसके बीच में जितने भी सर्विसेज आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, वो सबको सर्विस करते हुए लास्ट तक पहुंचती है। एंड एट द अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट इज रिवर्स्ड एंड सर्विसिंग कंटिन्यूस। तो एक एंड पे पहुंच के रिवर्स करते और रिवर्स डायरेक्शन में भी वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करते जाती है। तो एक छोटा सा डायग्राम से मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है, आप यहाँ से 143 से उसने स्टार्ट किया, सर्विस करते करते 1999 तक दूसरे एंड तक पहुँचा, चाहे वो 1999 हमारा रिक्वेस्ट है या नहीं है तब भी एंड तक पहुँचा और फिर डायरेक्शन रिवर्स किया और जो 2 रिक्वेस्ट हमारी बाकी थी 130 और 86 उसको उसने फुलफिल किया। फिर आया सर्कुलर स्कैन, ये जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट लाइक स्कैन लेकिन एक सर्कुलर लिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्क आर्म हमारा एक एंड तक जाता है और फिर रिवर्स होके दूसरे एंड पे पहुंचता है, यानी रिवर्स टाइम पे कोई रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं करता है, रिवर्स होके फिर से स्टार्टिंग एंड पे आके और फिर जो रिक्वेस्ट रह गई थी उनको सर्विस करता है ना। सो सी स्कैन मूव्स द हेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द डेस्क टू द अदर सर्विसिंग रिक्वेस्ट अलोंग द वे।
When head reaches to the other end, however, it immediately returns to the beginning of the desk without serving any request on the return trip. तो जब ये return trip पे कोई request service नहीं करता तो हम उनके cylinders के बीच का movement को count भी नहीं करते हैं, ठीक है? And it essentially treats the cylinders as circular list that wraps around from final cylinder to सिलेंडर नंबर वन. तो ये देखिए हमने इस एग्जांपल में बताया 143 से स्टार्ट हुआ 1999 तक गया, सर्विस करता रहा लेकिन फिर अदर एंड पे आ गया, जीरो सिलेंडर पे आ गया और उसके बीच में कोई भी रिक्वेस्ट को सर्विस नहीं किया तो उस सिलेंडर मूवमेंट के नंबर ऑफ सिलेंडर्स को हम काउंट भी नहीं करते और फिर दोबारा से वो डायरेक्शन चेंज करके एक ही डायरेक्शन में यानी सर्विसिंग करता है वो. देन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी एंड फाइल. सो It is very simple. Directory is a collection of files stored as a group with a single name, and it can be classified into two types: root directory or subdirectory. Root directory contain all other directories, and directory further can contain subdirectories and files. File is a named collection of related information that is recorded into secondary storage, and file represents programs, both source and object forms and data. डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और बाइनरी. फिर हमारे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्या आता है, अक्सर आता है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. तो फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन क्या है? फाइल प्रोटेक्शन रेफर्स टू वेरियस मैकेनिज्म और टेक्निक्स यूज टू प्रोटेक्ट फाइल्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, मॉडिफिकेशन और डिलीशन. And it involves controlling access to the files and determine who can access them and what actions can be performed on them and how they are stored and backed up. OS provides several file protection features including file permissions, encryptions, access control links, auditing and physical file security. And proper file protection requires ongoing updates and patches to fix vulnerabilities and prevent security breaches. What are the different mechanism of file protection? File permission, encryption. File permission हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी फाइल के लिए कौन सा एक्सेस दिया है, रीड एक्सेस है या राइट एक्सेस है या एग्जीक्यूट प्रिविलेज है. इंक्रिप्शन यानी उसके कंटेंट्स को हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, जो कि जिसके लिए वो प्रोवाइड कराए गए हैं कंटेंट वो उसको डिक्रिप्ट करके ही शो कर सकता है, ठीक है. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसमें इट हैज़ द लिस्ट ऑफ परमिशंस अटैच्ड टू द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दैट डिफाइन विच यूजर और ग्रुप्स हैव एक्सेस टू देम एंड व्हाट एक्शंस दे कैन परफॉर्म ऑन देम. एक्शंस मतलब कि क्या वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको. ऑडिटिंग एंड लॉगिंग, दे आर द मैकेनिज्म टू ट्रैक एंड मॉनिटर फाइल एक्सेस, चेंजेस एंड डिलीशंस. देन ये क्वेश्चन भी कई बार आता है हमारा, डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग. तो डिस्क स्टोरेज का आपको एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना है कि डिस्क कैसा डिस्क दिखता है. डिस्क इज द कलेक्शन ऑफ प्लैटर्स एंड एक स्पिंडल होता है, उसमें बहुत सारे अगर हम सीडीज को इंसर्ट कर दें तो वो एक हमारा एक डिस्क का स्ट्रक्चर बन जाता है. और डिस्क में हमारे देर आर वेरियस ट्रैक्स, सर्कल सर्कल बने होते हैं जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं और इन सर्कल्स के बीच में डिविजन होता है जिनको हम सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है. तो हर एक प्लेटर के लिए एक डिस्क आर्म होता है हमारा जिसको हम कहते हैं रीड राइट हेड. तो वो सारे डिस्क प्लेटर्स रोटेट होते हैं, रोटेशन के साथ हम डिजायर्ड सेक्टर पे पहुंच सकते हैं. और ये जैसे ट्रैक वन ऑफ एवरी डिस्क प्लेटर मेक्स अ सिलेंडर, तो एक जितने भी ट्रैक्स होते हैं उतने हमारे उसमें सिलेंडर होते हैं. तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें कि ईच डिस्क प्लैटर हैज़ अ फ्लैट सर्कुलर शेप लाइक सी डी विद डायमीटर्स रेंजेस फ्रॉम 1.8 टू 3.5 इंचेस, रीड राइट हेड फाइल्स जस्ट अबव द सर्फेस ऑफ एवरी प्लैटर, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सर्फेस एंड इंटू नंबर ऑफ सर्फेसिस एंड टोटल नंबर सिलेंडर्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ सर्फेस. टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स इन अ सिलेंडर इज टोटल नंबर ऑफ सर्फेसिस. So data is recorded cylinder wise, that is ith track of all services is filled before proceeding to i plus 1 track, and this minimizes head movement and thereby reducing seek time, ठीक है.
तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आता है, हर बार आता है, हमारा 5-5 मार्क्स में डिवाइड होकर आता है, फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड। तो फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड क्या है हमारा, ईच फाइल इज लिंक्ड विद द डिस्क ब्लॉक्स, द डिस्क ब्लॉक्स मे बी स्कैटर्ड एनी वेयर ऑन द डिस्क। जैसा हमारा मेमोरी में था कि कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन हो सकता है या नॉन कॉन्टिग्यूस है, तो जब नॉन कॉन्टिग्यूस है तो यहाँ पर लिंक्ड है कि एक ब्लॉक का के बाद दूसरा ब्लॉक कहाँ है उसका पॉइंटर होगा। तो जैसे हमारी इसकी डायरेक्टरी बनेगी, देखिए फाइल के मैंने एग्जांपल में बताया, फाइल नेम इज जीप एंड इट स्टार्ट्स एट ब्लॉक नंबर 9 एंड इट विल एंड एट ब्लॉक नंबर 25, और वहाँ से उसका लिंक स्टार्ट हो जाता है। 9 से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें उसमें होगा हमारा लिंक होगा कि नेक्स्ट हमारा ब्लॉक कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, और 25 पे जाकर वो एंड हो जाएगा। तो 9 ब्लॉक पे अगर हम जाएंगे तो वो इसमें दे रहा है 16 के बाद हमारा वो आ रहा है 16 के बाद हमारा जा रहा है 10 पे, 10 के बाद हमारा आ रहा है 20 पे, और वहाँ पर वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम समझाना, और डायग्राम से ही आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसमें क्या लिखना है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक, और एडवांटेजेस इसका ज़रूर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है। तो हम कहते हैं इसमें एडवांटेज क्या है, देर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन लिंक एलोकेशन, एनी फ्री ब्लॉक और फ्री स्पेस लिस्ट कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग अ रिक्वेस्ट, जहाँ जगह मिली वहाँ पर उसको फाइल को एक ब्लॉक दे दिया जाता है। एंड लिंक एलोकेशन डज हैव डिसएडवांटेजेस आल्सो, व्हाट दैट मेजर प्रॉब्लम इज दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली ओनली फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी हमें डायरेक्ट एक्सेस करना होगा पहले ब्लॉक का एड्रेस होगा, फिर उससे पॉइंटर से दूसरे का एड्रेस मिलेगा और फिर तीसरे का, तो सीक्वेंशियल एक्सेस किया जा सकता है बस। ठीक है, तो इसी में आगे क्वेश्चंस फिर से हमारे इसी पे आए हैं, एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फाइल, डिफाइन इन डिटेल अबाउट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म, व्हाट आर द फाइल्स एंड एक्सप्लेन एक्सेस मेथड्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। तो यानी बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है और उसके अलग अलग एक्सेस मेथड्स को हमें एक्सप्लेन करना है। अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज एंड दे रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एंड डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और बाइनरी फाइल्स, एंड जनरली अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइन्स और रिकॉर्ड्स, द मीनिंग ऑफ विच इज डिफाइंड बाय द फाइल क्रिएटर। तो हम जो भी उस फाइल को क्रिएट करता है उसका एक यूजर गिवन नेम देता है, एंड द फाइल हैज अ सर्टन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, टेक्स्ट फाइल, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूशन फाइल, एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स, ऑर्डिनरी फाइल्स यानी रेगुलर फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, एंड डिवाइस फाइल। तो डिवाइस फाइल के लिए भी हमारा डिवाइस फाइल भी एक टाइप की अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। अब फाइल एक्सेस करने के लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास, है सिक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्टली हमें जिस ब्लॉक पे जाना है उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, नॉर्मली इसके लिए कोई हमारा इंडेक्स बना होगा और इंडेक्स को देख कर हम डायरेक्टली उस ब्लॉक के एड्रेस पर चले जाएंगे और अपना फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है हमारा इंडेक्स सिक्वेंशियल, एन इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर अ फाइल विच कंटेन्स पॉइंटर्स टू वेरियस ब्लॉक्स, एंड टू फाइंड अ रिकॉर्ड वी सर्च द इंडेक्स एंड देन यूज द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टली एंड टू फाइंड डिजायर्ड रिकॉर्ड, एंड वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स कैन बी एम्प्लॉयड। सो इसका एग्जाम्पल है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ये सारा क्या फॉलो करते हैं हमारा इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे फिर से हमें क्या पूछा है, स्पेसिफिकली दिया है डिस्कस लिंक्ड कॉन्टिग्यूस एंड इंडेक्स एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग फाइल। तो फाइल एलोकेशन मेथड्स बिल्कुल मेमोरी एलोकेशन की तरह है, जैसे कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, ऐसे ही हमारा फाइल के लिए एलोकेशन मेथड है। पहला है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम से कि हार्ड डिस्क में हमारे पास कई सारी फाइल्स हैं, फाइल का नाम है काउंट TR मेल लिस्ट F, काउंट में 2 ब्लॉक्स हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी लेंथ है 2 ब्लॉक्स की, यानी वो कंटिन्यूसली मिलेंगे तो 0 के बाद 1 होगा। एक फाइल है F स्टार्टिंग फ्रॉम 6 एंड साइज इज 2, तो 6 के बाद 7 ही उसका नेक्स्ट ब्लॉक होगा। एक फाइल है हमारी TR,
इट इज स्टार्टिंग विद ब्लॉक नंबर 14 एंड इट इज हैविंग 3 ब्लॉक्स, तो ऑब्वियसली 14, 15 और 16 होगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन है. तो आप डायरेक्टली इस डायग्राम से कॉन्टिन्यूस एलोकेशन को शो कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें दोनों बताने हैं. तो क्या है, बोथ सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस कैन बी सपोर्टेड बाय कॉन्टिन्यूस एलोकेशन एंड बट इट हैज सम प्रॉब्लम ऑल्सो. व्हाट वन डिफिकल्टी इज फाइंडिंग स्पेस फॉर न्यू फाइल, डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज एन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्ड्स एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, देन कम्स लिंक्ड एलोकेशन. लिंक्ड एलोकेशन को भी आपको इसी डायग्राम से शो करना है कि किसी भी फाइल का स्टार्टिंग ब्लॉक कौन सा है. तो यहाँ पर फाइल दिया हुआ है जीप फाइल एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक नंबर 9. 9 में किसका एड्रेस दिया हुआ है, नेक्स्ट ब्लॉक का. 9 में लिखा है 16, तो ये डायरेक्टली 16 ब्लॉक को पॉइंट करेगा. 16 में लिखा है 1, यानी ये 1 क्या है, पॉइंटर है फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक. तो 1 में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक नंबर 10, तो 10 नेक्स्ट हम ब्लॉक नंबर 10 पे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंटर डाला हुआ है 25 के लिए. और 25 पे जब हम जाएंगे तो वहाँ लिखा है -1 मीन्स एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, तो इसकी डायरेक्टरी कैसे बनेगी, फाइल नेम, स्टार्टिंग ब्लॉक एंड एंडिंग ब्लॉक. नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं वो नहीं लिखा होगा इसमें, और हर ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस गिवन होगा. तो इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड द साइज ऑफ द फाइल नीडेड टू बी डिक्लेयर्ड व्हेन फाइल इज क्रिएटेड. मेजर प्रॉब्लम इज व्हाट, ओनली फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स एंड इट इज इनएफिशिएंट टू सपोर्ट अ डायरेक्ट एक्सेस एंड अनदर डिसएडवांटेज इज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर्स ऑल्सो. Then comes index allocation. In the absence of FAT, linked allocation cannot support efficient direct access. So index allocation solves this problem by bringing all the pointers together into one location in the form of index block. So एक हमारा index block बनेगा. तो इस diagram में देखिए आप, ये जो diagram given है, तो ये 19th number का जो block है, it stores index of all blocks. तो directory में क्या लिखा जाएगा, file name is jeep and इंडेक्स ब्लॉक इज 19. तो जो हम 19 इंडेक्स ब्लॉक को फॉलो करेंगे तो उसमें हर ब्लॉक के आपको ब्लॉक नंबर लिखा है, जितने भी ब्लॉक्स में वो फाइल डिवाइडेड है उसके सारे ब्लॉक नंबर दिया हुआ है. 9, 16, 1, 10, 25, -1 मीन्स एंड ऑफ द ब्लॉक, कि उस ब्लॉक में इस फाइल का कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो तो इंडेक्स एलोकेशन सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस without suffering from external fragmentation because any free block on the disk can satisfy a request for more space. जब भी कोई नया block allocate किया जाएगा उसकी entry हमारे index block में चली जाएगी and index allocation does not suffer from wasted space also. But the pointer overhead of index file index block is generally greater than the pointer overhead of linked allocation. Then multi-level indexing, जब indexing हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा indexes हो जाते हैं, तो हम एक आउटर इंडेक्स बनाते हैं. किसका, कि हम उस इंडेक्स को ही अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो जितने ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं उसका इंडेक्स हमारा आउटर इंडेक्स में आता है और फिर हमारी एक इंडेक्स टेबल आती है और फिर जाकर हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये भी हमारा डायग्राम बनाएंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा हमारा. ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय कैशिंग, स्पूलिंग एंड एरर हैंडलिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल. तो कैशिंग क्या है, कैशिंग एक मेमोरी का एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखें सो कैशिंग हमारी कहाँ होती है, सीपीयू के लिए. सीपीयू हमारा डायरेक्टली रजिस्टर्स को एक्सेस कर पाता है या मेन मेमोरी को एक्सेस कर पाता है और दोनों के बीच में स्पीड गैप हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो बीच में किसको लेके आते हैं, हम कैश मेमोरी को लेके आते हैं. सो कैशिंग इज द रीजन ऑफ फास्ट मेमोरी दैट होल्ड्स कॉपीज ऑफ डेटा एंड एक्सेस टू कैश कॉपी इज मोर एफिशिएंट दैन एक्सेस टू ओरिजिनल कॉपी. For instance, the instruction of currently running process are stored on a disk. They are cached in physical memory and they are copied again into CPU's cache memory. So difference kya hai mainly buffer aur cache mein is that buffer can only hold existing copy of data whereas cache holds the copy on a faster storage of item that resides everywhere elsewhere. ठीक है, spooling में क्या difference है? Spool is a buffer that holds output for a device such as printer that cannot accept interleaved stream of bytes. So spooling मैंने आपको already explain किया है, तो दोबारा explain करने की ज़रूरत नहीं है. तो उसके बाद हमारे वही FCFS scheduling algorithm, ये disk के scheduling algorithms हैं.
FCFS scan and C scan. तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.